दोस्तों, ये जो आप मार्बल अभी देख रहे हैं, ये देखिए, ये मार्बल के कट पीस हैं, 2x2 से लेकर बड़ा साइज 2x2 है, और उससे नीचे 1x2, 1x2.5, 1x1, 11x11, ये सभी कट पीसेस हैं। इसको मार्बल की टाइल्स कहते हैं। ये देखिए, ये जो टाइल्स आपको पिंक में दिखाई दे रही हैं, ये 11x11 साइज़ है। ये देखिए, ये लीरा साइज़ है, 2x2। ये देखिए, ये थोड़ी सी थप्पी है, 2x कुछ साइज और है इसका। ये देखिए, ये देखिए, ये सभी मार्बल की टाइल्स हैं। इसको मार्बल की टाइल्स कहते हैं। और जो टाइल्स होती हैं, जो उनका साइज होता है, वो 2x2 से जो नीचे का जो भी कट पीस मार्बल में आता है, वो मार्बल की टाइल्स कहलाता है। और 2x2 से जो ऊपर का पीस है, वो मार्बल का लीरा कहलाता है। तो ये मार्बल को दिखाने का मकसद ये था कि ये जो मार्बल आप जितना भी देख रहे हैं, ये सभी हमने मकराना से लाया है। ये देखिए, सभी का सभी जो मार्बल है, ये मकराना से लाया गया है। और मकराना में हम मार्बल लेने गए, वहाँ हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पर आप कैसे जा सकते हैं, और वगैरह वगैरह। जो किसी ने अगर मार्बल लाना हो, किसी की मर्ज़ी हो मकराना जाने की, तो आप वहाँ से मार्बल कैसे परचेज कर सकते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विलेज लाइफ विद नवजोत में। तो आज मैंने आपको जो भी मार्बल दिखाया है, वो मार्बल दिखाने के पीछे उसकी वजह ये थी कि हमने राजस्थान मकराना से मार्बल लाया। वहाँ से हमने से मार्बल को देखा देखा परखा, और वहाँ से हम इसको खरीद कर लाए हैं। तो इतनी दूर जाने का क्यों हम वहाँ पर गए, वहाँ पर हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ का मार्बल कैसा है, वहाँ के दुकानदार कैसे हैं, और आप वहाँ से कैसे मार्बल ला सकते हैं। और जो आप तरह तरह के यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, जो उन वीडियोस में बताया जाता है, क्या वो सच है या नहीं है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता था। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे मेरा जो चैनल है वो मार्बल से रिलेटेड नहीं है, ये गांव की ज़िंदगी से रिलेटेड है, मगर मैं आपको आज मार्बल के ऊपर ये वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। तो हम भी मकराना गए थे, एक नहीं दो बार गए। एक बार हमने वहाँ पर जाकर वहाँ का मार्बल देखा कि वाकई जो YouTube की वीडियोस में बताया जाता है, क्या वहाँ पर ऐसा कुछ है या नहीं है। तो एक बार हमने वहाँ पर विजिट की, 3-4 दिन वहाँ पर रहे, पूरा मार्केट घूमकर हमने देखा, फिर हम वहाँ से वापस आ गए। फिर उसके बाद में जो हम वहाँ से जब वापस घर आ गए, तो हमने देखा परखा, और फिर हम इस निष्कर्ष पर निकले, इस कंक्लूजन पर हमने ये फैसला लिया कि जो मकराना का मार्बल है, सही मार्बल है। अगर आप उसको एक बार देखेंगे, तो उसको देखने के बाद आप जो दूसरा राजनगर का दरमेटा वगैरह आता है, जो हमारे इधर जैसे जम्मू में मिलता है, उसको देखकर, जम्मू वाले मार्बल को देखकर जो राजनगर से आता है, और जो मकराना का मार्बल जो कि मकराना से ही निकलता है, तो उन दोनों में बहुत फर्क है। एक बार अगर आप मकराना के मार्बल को देखेंगे, तो आपका मन नहीं करेगा दूसरा मार्बल लेने को, खरीदने को, ना ही आपका मन करेगा उसको घर लगाने को। तो जैसे हमारे जम्मू वाले हैं यहाँ के, अगर आप उनकी दुकान पर जाओगे, उनसे मकराना के मार्बल के बारे में पूछेंगे, तो वो आपको कहेंगे कि मकराना का जो मार्बल है वो ख़त्म हो गया है,
अभी वो जो मकराना में मार्बल मिलता है, वो भी धर्मेटा मिलता है, वो भी राजनगर वाला मिलता है, ऐसे 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 आपको 100 बातें बताएंगे ताकि आप वहां पर ना जा सको। मगर हम वहां पर खुद जाकर आए हैं और हमने वहां पर देखा है कि जो मकराना में मार्बल मिलता है वैसा मार्बल और कहीं भी नहीं मिला आपको मिल सकता। मगर मकराना में भी जब हम गए तो वहां पर भी कम से कम कोई इतनी बड़ी मार्बल की वहां पर मार्केट है कि गिनती नहीं आप कर सकते कि वहां पर कितनी दुकानें हैं। वहां पर मार्बल की मार्केट में आपको मार्बल की दुकान के अलावा और कोई दुकान मिलेगी नहीं, इतनी वहां पर मार्बल की दुकानें हैं। मार्केट के बीचों बीच ही मार्बल की माइंस भी हैं। तो जब हम वहां पर गए, मैं आपको अभी आगे बताता हूँ कि जब हम वहां पर गए, वहां पर हमने मार्बल का जो पसंद किया हमने मार्बल को, तो वो मार्बल बहुत ही अच्छा था। हमने वहां से कट पीसेस लाए हैं और जो कट पीसेस लाए हैं वो उनको वो मार्बल की टाइल्स कहते हैं। हमारे इधर मार्बल कट पीस कहते हैं मगर वहां पर मार्बल टाइल्स कहते हैं। टाइल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उसका साइज होता है वो 2x2 से छोटा होता है, उससे कम होता है। जो 2x2 के ऊपर होता है उसको वो लीरा साइज कहते हैं। तो हमने वहां से सिर्फ मार्बल की टाइल्स लाई हैं और कुछ ग्रेनाइट लाया था। तो वहां पर जाने के बाद वहां पर इतनी सारी दुकानें हैं, जो ग्राहक होता है वो दुकानों को घूम घूम कर उसके दिमाग में ऐसे, जिसको आप कहते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि कहां से मार्केट मार्बल लें कहां से ना लें। और आजकल जो मकराना में मार्बल मिलता है, ऐसा नहीं कि सभी दुकानदार बहुत अच्छे हैं, कुछ दुकानदार वहां पर राजनगर का माल भी रखते हैं मगर उसकी पहचान उन्हीं को है।